हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सभी लोगों ने अपनी तैयारी एग्जाम के लिए शुरू कर दी होगी। आज मैं आप लोगों के साथ में स्टार्ट करने वाली हूँ न्यू चैप्टर, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यस, यानी कि आज हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और स्पेशली आज हम लोग जो कवर करेंगे इस वीडियो में, वो हम लोग फ्लावर के सारे पार्ट्स को कवर करेंगे। साथ ही साथ में मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगी, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि स्टेम के किस पार्ट में क्या मॉडिफिकेशन होता है और उससे फिर फ्लावर का कौन सा पार्ट बनता है, राइट? और इसके साथ ही साथ में उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीजें मैं भी आपको इस वीडियो में कवर करूंगी। और एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर भी आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगी। सो चलिए टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं, अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो आई थिंक ये बात तो सभी लोगों को पता होगी कि अगर मैं फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रही हूं तो मैं किसकी बात कर रही हूं, एंजियोस्पर्म्स की, राइट? एंजियोस्पर्म्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स, इन्हीं में प्रेजेंट होते हैं। जो भी फ्लावर के सारे पार्ट्स होते हैं बच्चों, वो बेसिकली अटैच होते हैं थैलेमस से। खैर, ये चीज मैं आप लोगों को अभी डायग्राम दिखाऊंगी तो उसमें से क्लियर हो जाएगी आपको। अभी आप यहां पे देखिए कि द स्ट्रक्चर ऑफ द इनफ्लोरिसेंस, इनफ्लोरिसेंस मीन्स उस फ्लावर का कैसे अरेंजमेंट होता है स्टेम पे। बहुत तरह से अरेंजमेंट होता है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर एंड फ्लोरल पार्ट्स इतनी अच्छी तरह से अमेजिंग रेंज का एडेप्टेशन शो करते हैं, जिससे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में जो फ्रूट या सीड जो बन रहे हैं, राइट, वो प्रॉपरली रहे। क्लियर? सो यहां पे आप देख सकते हैं, एक हमारे पास में ट्री है और यहां पे जो हमें दिखा रहे हैं स्ट्रक्चर वो सीड है। ये देखिए यहां पे ये एम्ब्रियो पार्ट शो कर रहा है और ये एम्ब्रियो आगे चल करके हमारे कंप्लीट प्लांट में डेवलप होगा। ये आउटर लेयर होती है, That is the seed coat and inner part is the cotyledon, right? यहाँ पे आप लोगों को एक cotyledon दिख रहा है। Basically हमारे पास में cotyledon के basis पे ही दो types के plants होते हैं, monocots and dicots, right? Monocots यानी कि जिनमें सिर्फ एक cotyledon पाया जाता है, that is the monocots. For example, wheat, rice, ये example है monocots के। अगर हम डाइकोट के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में पी हो गया, ग्राम्स हो गए, जिनमें भी दो कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज बेसिकली डाइकोट्स। वेल, अब आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, दैट व्हाट इज मेंट बाय एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी की बात कर रहा है, सो डेफिनेटली किसी ब्रांच ऑफ साइंस की बात कर रहा है, राइट? सो इट मीन्स बॉटनी की वो ब्रांच जो डील करती है उन सारे डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस, जो कि सारी आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एंजियोस्पर्म्स में होता है उससे रिलेटेड है। इट मीन्स द ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, दैट इज नोन एज द एम्ब्रियोलॉजी। जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं साथ में इसके नोट्स बना सकते हैं, बिल्कुल प्रिसाइज फॉर्म में सारी डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे दे रखी है। अच्छा, फ्लावर जो होता है किसी भी एंजियोस्पर्म का, आप समझ सकते हैं कि कितना फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है, देखते ही अट्रैक्ट करता है। और लोगों के इसके लिए अलग अलग व्यूज भी होते हैं। फ्लावर्स को अगर एक हम नॉर्मल पीपल की तरह देखें, एक बायोलॉजिस्ट की तरह नहीं देखें, तो उसके हमारे पास में एस्थेटिक, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल बहुत सारे हमारे पास में उसके लिए वैल्यूज होते हैं, राइट? बट अगर हम एक बायोलॉजिस्ट की तरह बात करते हैं तो फ्लावर जो होता है एक मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट होता है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट कह रहा है, राइट? सो अगर हम ये शूट है हमारा सपोज दैट, तो यहाँ पे हमारी कौन सी सेल्स प्रेजेंट होंगी, बिकॉज यहाँ पे डिविजन फास्ट हो रहा है, राइट? सो दैट इज बेसिकली द मेरिस्टमेटिक सेल होंगी, टिप पर है। सो यहां पे कौन सी है, एपिकल मेरिस्टेम, राइट? दिस इज द एपिकल मेरिस्टमेटिक सेल। और ये पार्ट जो डेवलप करेगा हमारा, दैट विल डेवलप इनटू द गाइनोशियम। इसके बाद जो हमारा स्टेमन होगा वो इसके बाद वाले नोट से निकलेगा, दैट इज द स्टेमन, राइट? देन आफ्टर उसके नीचे जो नोड्स होगा उससे हमारे बाकी के पार्ट्स कोरोला एंड कैलिक्स अराइज होंगे। ये यहाँ पे मैं आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करके दिखा रही हूँ, बट ये एक्चुअली बहुत ही कंडेंस्ड शूट मॉडिफाई हो जाता है, जो कि हमारे फ्लावर में कन्वर्ट होता है, राइट? आई थिंक नाउ आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि किस पोर्शन से हमारा क्या पार्ट इमर्ज होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे देखिए एक टिपिकल फ्लावर के सारे पार्ट्स आपको दे रखे हैं। एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में 4 होल्स होते हैं जो कि अटैच्ड होते हैं रिसेप्टिकल से। यहाँ पे आप रिसेप्टिकल देख सकते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, दैट इज अ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। यहाँ पे देखिए ये आपको जो पार्ट दिखाई दे रहा है दैट इज द सेपल, इसको हम कैलिक्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आपको यहाँ पे जो कलरफुल पार्ट दिख रहा है दैट इज द पेटल, इसको हम कोरोला के नाम से भी जानते हैं। राइट, कोरोला जो होता है दैट इज एक्चुअली द मोस्ट कलरफुल पार्ट। क्यों कलरफुल होता है, क्योंकि इसको पॉलिनेशन में इसका बहुत ही ज्यादा रोल होता है। ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसीलिए बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्राइट कलर का होता है, जिससे को देखते ही पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे आप देखिए आपको ये स्टेमन दिखाई दे रहा है, स्टेमन के दोनों पार्ट्स दिख रहे हैं, एंथर एंड फिलामेंट। ये आपका फीमेल पार्ट है फ्लावर का, दैट इज अ गायनोशियम। यहाँ पे आपके पास में स्टाइल दिख रही है, हर एक फ्लावर में अलग अलग, हर एक प्लांट में अलग अलग स्टाइल लेंथ होती है, ऐसा नहीं है कि सब में एक जैसी ही स्टाइल लेंथ होगी। ये पोर्शन जो है ये स्टिग्मा दिख रहा है, ये जो स्टिग्मा वाला पार्ट होता है यहीं पे ही हमारे पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो आकर के गिरते हैं, और उसके बाद में पॉलन ट्यूब डेवलप होती है, अंदर स्टाइल से होते हुए अंदर जाती है। यहाँ पे ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं जहाँ पे अंदर एग्स मौजूद होते हैं, और वहां पे फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करती है। सो आई थिंक ये पार्ट्स आप सभी लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आप लोगों को एक चार्ट दिखाती हूँ, इससे आपके बचे हुए डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। फ्लावर में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है नॉन एसेंशियल ऑर्गन्स, दूसरे होते हैं एसेंशियल ऑर्गन्स। नॉन एसेंशियल ऑर्गन्स जो होते हैं, ये नॉन एसेंशियल नेम तो है बट ये एक्सेसरी होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ये हेल्पिंग होल्स होते हैं, या फिर इनको हम पेरियंथ मेंबर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो है दैट इज द एसेंशियल ऑर्गन्स, ये हमारे रिप्रोडक्टिव होल्स होते हैं और इनको स्पोरोफिल्स के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारे नॉन एसेंशियल ऑर्गन होते हैं ये स्टेराइल पार्ट होते हैं पार्ट्स के, एंड जो हमारे एसेंशियल होते हैं ये हमारे फर्टाइल पार्ट्स होते हैं। कैलिक्स और कोरोला, कैलिक्स यानी कि सेपल्स, कोरोला यानी कि पेटल्स, ये हमारे नॉन एसेंशियल या फिर आप कह सकते हैं एक्सेसरी और हेल्पिंग होल्स के अंडर में आते हैं, जबकि एसेंशियल ऑर्गन में हमारे मेल और फीमेल पार्ट फ्लावर के आते हैं, दैट इज द एंड्रोशियम जिसे हम स्टेमन भी कहते हैं, और दूसरा होता है गायनोशियम जिसे हम कार्पल्स भी कहते हैं। इनके अनदर नेम से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने सारे नेम यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो फ्लावर है उसका स्ट्रक्चर है, ये आपको स्टाइल दिखाई जा रही है, ये देखिए स्टाइल है ओवरी, ओव्यूल, राइट, एंड ये पार्ट आप देख सकते हैं कि ये हमारा फिलामेंट पार्ट है, एंड दैट इज द एंथर, दिस इज द स्टाइल, राइट। सो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया हुआ है, ये हमारा कैलिक्स है एंड दिस इज द कोरोला, राइट। सो आई थिंक आप सभी लोगों को अब फ्लावर के सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेमन से, यानी कि फ्लावर के मेल पार्ट से। सो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।